हेमंत सरकार के लगभग 3 साल हो चुके हैं और आइए जानते हैं लोगों से क्या उनके कार्यकाल से लोग खुश है या नाराज। खुश है जी। तेल का कीमत बढ़ा, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है जी। और इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। सड़क का सुविधा नहीं है, नाली का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। जब वोट लेने का समय होता है तो सरकार तो सबका दरवाजा दरवाजा पर आते हैं, वोट लेने के बाद सरकार का तो सब मतलब ही खत्म हो जाए। हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है, हम लोग को ना पानी मिलता है, ना रोड है, ना नाली है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कम से कम 1 किलोमीटर पानी लाने जाना पड़ता है। हम लोग वोट देने के समय घर घर आके वोट मांगते हैं और जब वोट मिल जाता है उनको, जब गदगदी में बैठ जाते हैं तो हम लोग जिस छोटे मोटे लोग को देखते हैं। योगी सरकार कितना काम कर रहा है, आखिर अपना वोट के काम की ही बगुवत ना जीते हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंडरू गांव में, जो बिल्कुल यहाँ पे जो एलोड्राम है यानी कि एयरपोर्ट के जस्ट नज़दीक ही पड़ता है ये गांव। हेमंत सरकार के लगभग 3 साल हो चुके हैं और आइए जानते हैं हम लोगों से क्या उनके कार्यकाल से लोग खुश है या नाराज़ है। हेमंत सरकार के लगभग 3 साल हो चुके हैं, क्या उनके जो कार्य कर रहा है सरकार, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग को ना पानी मिलता है, ना रोड है, ना नाली है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। कम से कम 1 किलोमीटर पानी लाने जाना पड़ता है, बरसात में घुटना उतना दूर पानी आ जाता है, कुछ चीज़ हम लोग को नहीं यहाँ अवेलेबल है जी। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, इसीलिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा रोड उड हम लोग को बनाए, पानी उनी का थोड़ा सुविधा दे जी। अगर सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती है और जिस तरह से 3 साल से अनदेखा करती आ रही है और उसी तरह से करेगी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसको क्या करेंगे, नली दे, रोड दे, बनाना चाहिए। हम लोग इतना दिक्कत से नली में यहाँ रोड में चलने नहीं सकते हैं, उधर घूम के आना पड़ता है दूर से, और क्या करेंगे। सरकार के यही चाहते हैं कि रोड बनाए, नली बनाए जी। हेमंत सरकार 3 साल से कार्य कर रही है पर आप लोग खुश नजर नहीं आ रहे। नहीं है, हम लोग को ना राशन में सहूलियत दे रहे हैं, ना इतना बड़ा कोरोना हुआ उसमें भी हम लोग को कोई सहायता है नहीं मिला। और यहाँ हुंडरू बस्ती में नाली का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को तो सरकार देख ही नहीं रही है, तो हम लोग उसको क्यों वोट देंगे। हम लोग वोट देने के समय घर घर आके वोट मांगते हैं और जब वोट मिल जाता है उनको, जब गदगदी में बैठ जाते हैं तो हम लोग जैसे छोटे मोटे लोग को देखते नहीं, हम लोग को स्वरोजगार नहीं दे रहे, महिला लोग मैंने घर चलाने के लिए असमर्थ हो रहा है, उन लोग को भी तो कुछ देना चाहिए ना जी। नौकरी नहीं दे रहे हैं तो छोटा मोटा बिजनेस कम से कम महिला ग्रुप की तरफ से कुछ सहायता होना चाहिए, उनको देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं, इस चलते हम लोग उनको अगले बार वोट नहीं देंगे। तो आप क्या चाहती, कौन सी सरकार बैठी इस बार? अब नया सरकार बैठे, बढ़िया सरकार बैठे, जो आप लोग की बात है, जो हम लोग को बात सुने, जो हम लोग का महिला लोग को मतलब कुछ हम लोग को कुछ नहीं दिया, ना रघुवर दास दिए, ना हेमंत सोरेन दिए। अब हम लोग चाहते कोई अच्छा सरकार बैठे जो हम लोग को हर चीज़ दे, हर चीज़ करे, इसी के लिए हम यानी कि अगर सरकार अभी भी आप लोग की इच्छा पूरी नहीं करती तो खाट फेंकने का काम करेंगे। हाँ, ऐसे सरकार हम लोग को नहीं चाहिए जो हम लोग का हेल्प नहीं करेगा। महिला लोग का घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है अभी कोरोना काल में, जो महिला ही लोग जानता है। में तो लिख दिया कि हाँ झारखंड को बहुत आगे बढ़ाएंगे और पता चला कि कुछ नहीं दिया, राशन कितना महीना पूर जाता है तब कितना दिन बाद में मिलता है, कुछ चीज़ का कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, यहाँ हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, इसी के लिए हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को हर चीज़ का लाभ दे। हेमंत सोरेन जो विकलांग लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग को बोलता है कि पैसा देंगे, महीना में बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, लेकिन उन लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। ऐसे सब विकलांग हुंडरू गांव में, घाघरा छोटा घाघरा में बहुत सारा है, जो हम नाम भी बतला सकते हैं। सुभद्रा कुमारी है, उनको भी विकलांग की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। और एक है कमेश्वर साहु, उनको भी विकलांग की तरफ से कोई ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है जो उनको सुविधा हो सके। लेकिन काफ़ी जगहों में तो देखी जा रही है कि विकलांग लोगों के लिए फॉर्म वगैरह भी भरा जा रहा है। तो नहीं, उनका फॉर्म भरता है फिर पैसा ले लेता है, लेडीज लोग आती है पैसा उसे लेती है, फिर उसका आगे काम बढ़ता ही नहीं है। तो विकलांग लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ सरकार उन लोग को ध्यान दे और उन लोग को मतलब सहायता पहुँचा सके। क्या है आपको सरकार? यहाँ पर ही सड़क का सुविधा नहीं है, नाली का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। जब वोट लेने का समय होता है तो सरकार तो सबका दरवाजा दरवाजा पर आते हैं, वोट लेने के बाद सरकार का तो सब मतलब ही खत्म हो जाता है। वो तो जीत गए, उनका काम निकल गया, परेशानी में रह गया पब्लिक। पब्लिक को तो सुविधा देना सरकार का काम बना ही नहीं है। जब वोट लेने का समय हुआ तो भीख मांगने जैसा दरवाजा दरवाजा पर आए, और वोट मिल गया उसके बाद से कोई मतलब ही नहीं है।
तालाब का यहाँ पर ही का यहाँ पर ही देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सामने है, पर यहाँ पर ही का जो लोग है उसको कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। यहाँ पर ही बड़ा बड़ा लोग आ रहा है, नेता लोग आ रहा है, लेकिन यहाँ गांव का बस्ती का लोग जो है तालाब में जाके नहा रहा है। ना यहाँ किसी को शौचालय का सुविधा है, ना बच्चा लोग का स्कूल का सुविधा है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो गाँव में सुविधा में है। सब चीज़ से गाँव वंचित है जी। क्या चाहती हैं आप सरकार? हम लोग चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पर ही का जो सरकार आके तो खुद यहाँ सरकार देख के जा रहा है, तो सरकार को हम लोग को बोलने का तो ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा सरकार आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, तो सरकार को बोलने का ज़रूरत ही क्या है? सरकार तो देख के आते हैं, चल जा रहे हैं। सरकार को तो बस आना है, देखना काम है, काम करना ही नहीं है। काम करने का रहता तो काम करते, सब काम होगा, नली भी बनेगा, रोड भी बनेगा। अगर सरकार यहाँ सुविधा देते हैं, आज कितना सरकार आके चला गया, यहाँ बस्ती का हालत तो वही है। सब सरकार यहाँ, कौन ऐसा सरकार है जो नहीं आया है? आने वाला और नहीं आने वाला भी सब आया है। सरकार 3 साल से आपकी कोई कार्य पूरे नहीं किए, अब आप क्या अगला कदम क्या होगा? हम लोग यही होगा कि अगर दूसरा सरकार चाहते हैं, अगर ये सरकार नहीं काम करना चाहते हैं तो हम लोग को दूसरा सरकार चाहिए जी। अभी देखिए यहाँ है ना, योगी सरकार कितना काम कर रहा है, आखिर अपना वोट के काम की ही भगवत ना जीते हैं। अगर यहाँ पर ही अगर सरकार सुविधा नहीं देगा तो हम लोग भी अपना फिर देखेंगे कि हम लोग को कौन सरकार को लाना है, नहीं लाना है। सो यानी कि आप लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ एकदम। अगर काम करेगा तो, और काम नहीं करेगा तो भी सरकार नहीं चाहिए। वो भी अगर ठगने के लिए आएगा तो उसको भी नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसा आदमी आना चाहिए ना जो भविष्य बनाए, बिगाड़े नहीं। यहाँ तो हमेशा नेता आ जाएगा। अभी तो ये सप्लाई वाला पानी पाइप लगा गया है, लेकिन पानी अभी तक कहाँ मिला? मार्च महीना गया, मार्च भी पार हो गया, पाइप बिछा हुआ है। ऐसा बात नहीं कि पाइप नहीं बिछा हुआ है। यहाँ पर ही देखिएगा तो आपको कहीं कहीं पर ही पाइप बिछा हुआ मिलेगा, लेकिन पाइप बिछा के सिर्फ छोड़ दिया गया है, ना पानी आ रहा है। यहाँ पब्लिक अपना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पीने का पानी तालाब में जाके नहा रहा है। यहाँ बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, एयरपोर्ट से निकल जा रहा है। एयरपोर्ट तो सामने है, पर बस्ती को हमको लगता है बहुत आदमी है जो जानता भी नहीं होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेखा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थी हुंडरू बस्ती की कहानी, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के जस्ट सामने में है। इन लोगों का कहना है कि बड़े बड़े नेता मंत्री तो आते हैं और कहीं ना कहीं इनके गांव तक भी पहुंचते हैं, पर इनकी बातों को कोई भी नहीं सुनता है। वोट मांगने का जब वक्त आता है तो इनके घर घर पे सबसे वोट मांगने सरकार पहुँच जाती है, पर उसके बाद ये लोग कौन से हाल में हैं और क्या कर रहे हैं इसका कोई ख्याल नहीं रखता है। आइए बने रहें हमारे साथ, अगले व्यक्ति से हम आपकी बात करवाते हैं। कितना खुश है आप इस सरकार से? बहुत खुश है जी। तेल का कीमत बढ़ा, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है जी। और इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, इसी तरह बढ़ते रहे। गरीबी नहीं, गरीबों को हटा जी, यही सरकार में चल रहा है। क्या चाहते हैं आप इस सरकार से? क्या चाहे, हमारा चाहने से सरकार बदलने न जाएगा। नहीं नहीं, वो आपके दायित्व है कि आप कहें, अपने पक्ष को रखिए आप। यही कि सब थोड़ा सा गरीबों के लिए ध्यान दिया जाए जी, मगर वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या आप चाहते हैं कि अगली बार भी ये सरकार रहे? ना। क्यों? देखते जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ते जा रहा, तो बेरोजगारी लोगों तो परेशानी, मतलब बेरोजगार लोगों तो परेशान तो बढ़ते जा रहा परेशानी।